अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम एक छोटा सा सिलसिला शुरू करेंगे, 2 से 3 मिनट लंबी बात, बहुत ज़्यादा बात लंबी नहीं। हमें बहुत सारे उलमा इकराम तरह तरह की टोपियां और तरह तरह के गेटअप्स में हमें दर्स देते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़ास वज़ाकता आपके पास हो तो फिर ही आप कोई पैगाम जो कहीं इखलाकियात से मुतल्लिक हो, इस्लाम से मुतल्लिक हो, मज़हब से मुतल्लिक हो, तो ये उनकी एक इजारादारी एक समझी जाती है कि जब तक एक बंदा बाकायदा टोपी दाढ़ी और जुबा दस्तार के साथ आपको वाज़ या नसीहत ना करे तो समझा जाता है कि ये बात दिल पे असर नहीं करेगी। हालांकि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और अल्लाह ने सूरह तौहा में रब्बे ज़िदनी इल्मा की दुआ हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अता फरमाई है कि ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो हम इस वीलॉग में थोड़ी सी जो मिसकंसेप्शंस हैं हम लोगों में मेरे समेत, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आम फहम अंदाज में, बग़ैर कोई सकील अरबिक बोले या बग़ैर कोई लंबी चौड़ी आयात पढ़े। तो मेरे जहन में आज के मौजू में ये आ रहा था कि जो इलम के हवाले से जो कुरान में और हदीस में जो इम्फेसाइज किया गया है, तो नॉर्मली ये गलत फहमी हमारे दोस्तों पैदा हो चुकी है कि हमारे मुआशरे में ये समझा जाने लगा है अमूमी तौर पे कि ये मर्दों के लिए मखसूस है। और जेंडर बाइस चूँकि हमारे इलाके में बरसगिर पाको हिंद में बहुत ज़्यादा पाया जाता था और अभी भी पाया जाता है, तो इसी तरह इसको जो मफहूम लिया गया वो यही लिया गया कि ये जो माशरे के जो मेल जो मर्द हजरात हैं उनके लिए ये आयात और अहादीस जो है ये जारी फरमाई गई। हालांकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है दोस्तों, कुरान पाक जो है वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो मुखातिब हैं, जब वो मुसलमान फरमाते हैं, मुसलमानों से मुखातिब होते हैं, तो उसमें भी कोई जेंडर बायस नहीं होता। अब आप खुद देखिए कि ये रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो ये तो एक कैसे आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है कि उनका इल्म में इजाफा होगा। और इल्म क्या, अब इसमें भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे जहनों में इन उलमा इकराम ने पैदा किया है कि जी इल्म से मुराद दीन का इल्म है, नमाज रोज़ा हज ज़कात, भाई वो इल्म है। लेकिन ये कि जब कुरान पाक इल्म की बात करता है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की बात करते हैं, तो वो सिर्फ दीन का इल्म नहीं है, क्योंकि इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हमारे पास हैं कि तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े। अब ये चीन में तो आपको पता कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान हदीस का इल्म तो मदीना में और मक्का में बढ़ रहा था, तो इसका मतलब है कि दुनिया के आलूम जो हैं उसको उनकी तरफ तवज्जो फरमाई गई और ये बिल्कुल तख़सीस नहीं की गई कि इसमें ख़वातीन जो हैं वो इल्म हासिल करने की हकदार नहीं है या उनके ऊपर वो मुकल्लफ नहीं है। क्योंकि दीन का इल्म तो खैर हमने हासिल करना ही है मुसलमान होने के नाते, लेकिन हमें हमारे साथ दीन के अलावा भी हमें दुनिया में जो अलूम है वो उनको हासिल करना है। तो इसी तरह सूरह अहज़ाब में उम्महातुल मोमिनीन के लिए कुरान में नाज़िल हुआ कि जो आप जो अहकाम कुरान हैं उनको आप उसका फहम हासिल करें और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका फहम हासिल करें और उनको आगे ख़वातीन में फैलाएँ। तो और भी अहादीस मिलती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़वातीन ने ये एक शिकवा हल्का सा फरमाया कि मर्दों को ज़्यादा टाइम मिलता है, तो हमें हमारे लिए हमारी हदायत के लिए रहनुमाई के लिए भी कुछ वक्त महसूस होना चाहिए। तो तारीख की किताबों में मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इससे इत्तफाक फरमाया और एक दिन मुख्तस फरमाया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन और इरशाद और दावत ख़वातीन को देते थे, उनके सवालात के जवाब देते थे। तो बस आज हम इस छोटे से टॉपिक पर ये गलत फहमी कि ये ख़वातीन के लिए मखसूस जो है कि वो सिर्फ दीन का इल्म है और बाकी लड़कों के लिए मर्दों के लिए है कि वो दुनिया के इल्म, ऐसी बात दोस्तों हरगिज़ नहीं है। ख़वातीन का पढ़ना लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना मर्दों का है या शायद उससे ज़्यादा,
क्योंकि जो पहली आगोश में जो तरबियत गाह है वो माँ की आगोश है, और अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो एक अच्छा इंसान उसको बनाने में उसकी हेल्प करेगी, और उसको दीन का समझ भी अदा करेगी, और उसको दुनिया और अखलाकियात जिसमें हम मुसलमान बहसीत कौम बहुत बुरी तरह से हम लोग पीछे हैं, और बहसीत पाकिस्तानी तो हम आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ही पीछे हैं। तो आज की इस छोटी सी बात में हमें इलम के हवाले से ये हमने जेंडर बायस को डिस्कस किया, और हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। हम चूँकि इस मौजू को बहुत लंबा नहीं करना चाहते, तो सिर्फ़ एक दावत फ़िक्र, एक आप ये कह रहे चिराग जलाने वाली बात है कि उसके ऊपर आप गौर फरमाएँ और फिर आप तहकीक फरमाएँ, ताकि हमारे जो ये एक गलतुल आम एक जो इसका जो गलत फहमी जो है वो दूर हो सके। आज के दौर में भी अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन को वाजबी सी तालीम दिलवाने के हक में तो लोग हैं हम, लेकिन हाँ जब बात प्रोफेशनल एजुकेशन की आती है हम कहते हैं यार कि मैट्रिक करो या इंटर करो, शादी करो, इसमें क्या करना है, घरदारी संभाले। हालांकि जब आप बस टीचर नहीं होंगे तो आप कैसे कहते हैं कि ख़वातीन के कॉलेजेस अलग हों, तो ख़वातीन टीचर होंगी तो ख़वातीन के कॉलेजेस अलग होंगे, ख़वातीन का आप कहते हैं जी डॉक्टर हॉस्पिटल अलग हो, भाई अल्लाह के बंदो ख़वातीन डॉक्टर्स होंगी तो अलग करेंगे। तो जब तक वो नहीं हैं आप एटलीस्ट एक कौम एक बैच तैयार करें, और आप एक एक पूरी नस्ल तैयार करें, ताकि जो आपका ये जो 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 मखलूत तालीम वाला ऑब्जेक्शन है इसको भी हम बिल्कुल इसको मेरिट पे देखेंगे, लेकिन आपके पास वो वसाइल रिसोर्स तो होने चाहिए। जब आप मैट्रिक इंटर करके अपनी बेटियों को शादी करवा देंगे और फिर आप उनके लिए शजर ममनू ना भी करवाएं, वो घर में बैठी बूढ़ी हों, आप उनको सिलाई कढ़ाई कराएंगे, तो ये किस तरह फिर ये हम उस एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुँचेंगे। तो इस्लाम में हदीस में औरतों और मर्दों दोनों को मसावी हकूक दिए गए हैं, और तालीम के भी मसावी हकूक हैं। तो आज की छोटी सी बात आपकी नज़र, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इसको लाइक करेंगे और इसमें मज़ीद आप अपनी रिसर्च के साथ इजाफा करवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।